guys, and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. Eugene Deitch, the creator of Tom and Jerry, Tom Terrific, and Popeye. Eugene Merril Deitch, jinka janma 8 August 1924 ko hua tha, aur 16 April 2020 mein unki mrityu hui thi. Vah America se the, aur vah ek Czech illustrator, animator, comics artist, और साथ ही फिल्म डायरेक्टर भी थे। 1959 के बाद वह एक कार्टून कैरेक्टर्स के नाम से जानने लगे थे, जिन्होंने टॉम एंड जेरी और पॉपे जैसे शानदार शोज को पेशकश किया था। और टॉम एंड जेरी जैसा शो हर किसी का फेवरेट रह चुका होगा। टॉम एंड जेरी और पॉपे के साथ उन्होंने मुनरो, टॉम टेरिफिक जैसे कई सारे कैरेक्टर्स और कई सारे कार्टून को उन्होंने क्रिएट किया था। 1945 से लेकर 2008 तक उन्होंने यह सारे काम किए, और साथ ही उन्हें इन शानदार कार्टून्स के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, और उनके पिता का नाम जोसेफ डीच था, जो एक सेल्समैन थे, और उनकी माता का नाम रूथ डेस्लन डीच था। और फिर 1929 में उनकी फैमिली जो थी वह शिकागो में शिफ्ट हो गई, और 1942 में वह लॉस एंजलिस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए। उन्होंने टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड्स को डायरेक्ट किया था। डीच को फिल्म मुनरो के लिए 1916 में उन्हें एकेडमी अवार्ड फॉर अ बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड उन्हें मिला। और फिर आयरन कर्टन के पीछे उन्होंने काम करते हुए टॉम एंड जेरी के साथ ही पॉपे द सीरीज का भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। और 2004 में उन्हें एनिमेशन में उनके लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें विंसर मैक के अवार्ड मिला। उनके शुरुआती दिनों में डीच यूनाइटेड प्रोडक्शन ऑफ अमेरिका और टेलीटोन्स जैसे स्टूडियो से वह जुड़े थे, और फिर उन्होंने सिडनी द एलिफेंट और गेस्टन ले क्रेयन और इनलर्ड कोलंबर जैसे कार्टून कैरेक्टर्स को उन्होंने क्रिएट किया, और 1958 में अपना खुद का न्यूयॉर्क में एक स्टूडियो खोला जो टेलीविजन कॉमर्शियल में फोकस्ड था। और फिर एक साल के बाद जब वह चेकोस्लोवाकिया के 10 डेज के टूर पर थे, तभी वहां पर उन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ जेडेनका से उन्हें प्यार हो गया, और फिर तभी उन्होंने प्राग में रहने का डिसीजन लिया। 1964 में उनकी फिल्म हियर नुडनिक और हाउ टू अवॉर्ड फ्रेंडशिप के लिए एक ही बार में उन्हें दो मूवीज के लिए नॉमिनेटेड किया गया। जब वह टॉम एंड जेरी एंड पॉपे के एपिसोड्स के डायरेक्ट कर रहे थे, तभी वह चेकोस्लोवाकिया में ही थे। 1969 से 2008 के बीच उन्होंने वेस्टर्न ब्रूट्स स्टूडियो के लिए उन्होंने काम किया, जहां पर उन्होंने 37 फिल्मों को एडेप्टेड किया, जिसमें ड्रमर होफ, वॉयज इन एंड बनी प्लैनेट भी शामिल है। टॉम एंड जेरी का फर्स्ट एपिसोड 6 सितंबर 1980 को टेलीकास्ट हुआ था। टॉम एंड जेरी के कई सारे डायरेक्टर्स और क्रिएटर हैं, और टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा ने बनाया था। और फिर 2008 में डीच ने इस एनिमेशन करियर से रिटायरमेंट लिया। उनका स्टूडियो प्राग में बेरेडो स्टूडियो के पास स्थित था, जहां पर कई मेजर फिल्म्स की शूटिंग हुई थी। पोपे को ईसी शेगर ने क्रिएट किया था, जो यह कैरेक्टर है वह एक रियल मैन पर बेस्ड था, और इसकी पहली कॉमिक बुक आई थी, और इस कैरेक्टर को 1929 में क्रिएट किया गया था। यह कार्टून को फैंक यानी कि रॉकी फ्रीगल से इंस्पिरेशन मिली थी, और आज इस पोपे कार्टून्स को 90 इयर्स हो चुके हैं। टॉम एंड जेरी को आईएमडीबी ने 7.1 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। टॉम एंड जेरी सीरीज के 164 शॉर्ट्स है, जिसे 1940 से 2014 के बीच में रिलीज किया गया था। उसमें से 163 थिएट्रिकल शॉर्ट्स है। हाल ही में टॉम एंड जेरी की एक मूवी आने वाली है, हालांकि अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन इसका ट्रेलर अभी आउट हो चुका है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टॉम एंड जेरी के क्रिएटर यूजिन मेरिल डीच के बारे में। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।